जो पिछले वर्ग के लोग थे, अगर पिछले वर्ग के लोगों को 52% लोगों को 52% आरक्षण मिलता, 100 में से 52 आईएएस आईपीएस जो है वो बैकवर्ड के बनते, जाट गुर्जर सैनी पाल कश्यप निषाद प्रजापति सेन, जब इस समाज के लोग बनते आईएएस आईपीएस तो क्या दुनिया में परिवर्तन नहीं होता साथियों? किसने रोका? ये देश के दलित समाज ने नहीं रोका, ये देश के उस वर्ग ने रोका जो जातिगत जनगणना से डरता है। हमने वादा किया है कि हम लोग जातिगत जनगणना हर भर्ती करा देंगे और सरकार तय कर ले मुकाबला इस बार फिर आदमी आजाद समाजवादी के करोगे, आबादी के हिसाब से आरक्षण ना होगा पूरे देश में, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी पूरी हिस्सेदारी, और जब तक ये नहीं होता हमारा आंदोलन पूरा नहीं हो सकता साथियों। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ आए, तमाम सरकारें आई आपको झूठे वादे किए, उनको मौका मिला तब भी आपका जीवन नहीं बदला, न संसद कमेटी की रिपोर्ट लागू की ना कुछ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको लोगों ने वोट दिया था आपने काम क्यों नहीं किया? हम ये वादा करते हैं कि आबादी के हिसाब से मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे, मुस्लिम समाज के लोग अपनी वोट का दुरुपयोग न करें, वो अपनी वोट को जैसे नाना चाहते हैं हम साथ रहते हैं कि उसको किसी को बिना माने ना दे तय करके। मैं किसानों को भी कहना चाहता हूँ कि आप गन्ने के दाम को बढ़ाने के लिए सरकार से हाथ फैलाते हैं, आप किसान बन के वोट करने पर आप गन्ने का जो दाम मांगेंगे वो गन्ने का दाम हम आपको देने का काम करने का वादा है।